करके बॉल को निकाला गया है और एक जमीनी शॉट लगाई यहां पर झरना टोला की ओर से, लेकिन शॉट जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर। और मैं चाहूंगा कि आगे का विवरण और बाकी दूसरे टीम का जो नेम लिस्ट है उसको आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं सीधे तौर पर माइक्रोफोन पर हमारे सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर सुशील को माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं। हेलो हेलो। और निश्चित रूप से आज जितने भी इस टूर्नामेंट के थर्ड डे में आए हुए हमारे तमाम ऑडियंस, तमाम सभी खेल कारीगरन, आप सबों का ये जीएम झरना क्लब बंसीकाटा कोटल पोखर साहेबगंज, ये आयोजक कमेटी, ये आयोजक परिवार, आप सबों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। और आज ये टूर्नामेंट का जो मैच को हम देख पा रहे हैं, ये मैच है, ये प्रथम मैच बॉयज ग्रुप की ओर से। यहाँ से थोड़ा सा जल्दीबाजी किए, बुशील से पहले ही गेंद को किक ले लिया है, इसलिए वहां से दोबारा शॉट लेने के लिए अवसर। और एक बेहतर सा सेट पीस वहां से बनता हुआ, कनेक्शन वहां से लगा नहीं एफसी झरना टोला बरहवा का, अन्यथा डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम डिस्टेंस से एक अच्छा अवसर मिला था फ्री किक लेने के लिए, जहां से गोल की उम्मीद की जा रही थी। तो निश्चित रूप से जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे दर्शक दीर्घाए हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, आप सबों का ये जीवन झरना क्लब बंसीकाटा कोटल पोखर साहेबगंज अस्पताल आज भी 6 मैच खेले जाने हैं। बॉयज ग्रुप की ओर से 2 फर्स्ट राउंड के मैच होने हैं, 1 क्वार्टर फाइनल, और साथ ही साथ गर्ल्स ग्रुप की ओर से भी 2 फर्स्ट राउंड का मैच और 1 क्वार्टर फाइनल। तो टोटल आज भी मैच जो होगा, टोटल 6 मैच रहेंगे और प्रत्येक दिन का जो मैच फॉर्मेशन रहेगा इस टूर्नामेंट में, वो 6-6 मैच हम देख पाएंगे। पिछले दिन का रिकॉर्ड थोड़ा सा मैं बता दूं आप सबों को, कल के दिन में बहुत सारे ऐसे ऑडियंस थे, दर्शक थे जो नहीं आ पाए। मैं आप सबों को बता दूं कल के दिन में जो मैच खेला गया था, कल के दिन में प्रथम मैच हम सबों ने देखा था एफसी चितान टोला वर्सेस चुंका एपिल टाइगर टीम के बीच में। इस मैच में फर्स्ट राउंड में ही एफसी चितान टोला की टीम ने टाइगर टीम को पेनल्टी शॉट आउट के माध्यम से उसको मात दे करके उसको हरा करके क्वार्टर में अपना जगह बना लिया। कल दिन का जो सेकेंड मैच हम सबों ने देखा था बॉयज ग्रुप की ओर से, वो मैच खेली गई थी जीवन ज्योति क्लब बहादुरपुर वेस्ट बंगाल वर्सेस एफसी प्रतापपुर के बीच में। इस मुकाबले को मैदानी जंग में ही 1-0 से जीवन ज्योति क्लब बहादुरपुर वेस्ट बंगाल की टीम ने मैच को जीत लिया था। जब क्वार्टर फाइनल मैच हुआ तो क्वार्टर फाइनल में एफसी चितान टोला और जीवन ज्योति क्लब बहादुरपुर वेस्ट बंगाल के टीम आमने सामने रहे, और इस क्वार्टर फाइनल के मैच में एफसी चितान टोला की टीम ने पेनल्टी शॉट आउट के माध्यम से मैच को जीत करके कल के दिन में इन्होंने सुपर फोर में खेलने के लिए अपना जगह को सुनिश्चित कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। निधि बना टीम तलारे जहाल करना छत्ती और प्रगति ना परिणाम दो ना उड़िया बना टीम अरे नपाई किन का ठीक है ना ए तो हम सबई करना आए तो हम सबई तो बांग पहिल हाफ ना मन खान सबई ना अधिकन हुई दी करना आधा कोई हो अधिक समय बिताऊ कन तक ना लुकी ना मन खान सारे कन पहिल हाफ ना मैच रे ना कोई टीम से कोई गोल हजवानी क्रम राउंड कोई 6 नंबर हरो का खिलाड़ी कोई दो गुडी थसदा तो कोई दो सब्स्टिट्यूट बेंच कौन बदल करते हे करना पिच रे जॉन तीव्र नदी अनुभवी खिलाड़ी संगे गति को कोई को तुले उन्हें रामचंद्र रे गति दिया रामचंद्र और हाथ जोन लगे पटी मोच कंबिनेशन में किन तलारे बना तुरुई बनकार और एक कोई ढा
जब तक नौ नंबर और कोई बॉल क्लियर किया नहीं क्रम रे की बॉल पड़े चलाओ ना प्ले कोई बाहर आ थ्रोइंग बॉल पे जामा नोडे झरना टोला टीम हेलाया भगवत जुटिए बॉल पुलिस नई हूँ सीधे पोस्ट की शूट लहा कम से कम उन्हें कीपर टेस्ट की दिया मीडम जे पहली दम इन ट्रायल लगा कर गई जो रामचंद्र नाम का रिमोट बोले जाम का था गया उन्हें बढ़िया प्लेयर्स की नेसे ली दिया उन्हें परों में ना भरपूर प्रयास था है करना बनका है इन्हें तो कि उन्हें ना आयरन सोंगे गाती उन्हें जाम अजय नाम उन्हें आयरन सहयोगी उन्हें गाती या निन्न मोच की गाती करना बनका थोड़ा गम फिनिशिंग जोन रहे उन्हें ध्यान लगती कि ना उन्हें फिनिशिंग क्षेत्र में अगु सेटर करते उन्हें कोई बॉल बकिन फिनिश तैयार करना नियक्रम रहा उन्हें कोई अडिमोच को गति लाभ कर दिया राम लगी राम बोले खुद का तहें गया मन का एक बॉल उन्हें कोई प्ले को बाहरी चला हाँ तीन मुझे तो सांसों के थे कि अबन तला रहे हो अगला मैच हुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज सिमल जुड़ी वेस्ट बंगाल वर्सेस लोकल बॉयज तीन बाहर अबन बना तीन नित को कि अबन हो रेडी बनता है ना नेक्स्ट मैच लगी ये हो जाएगा ऑफसाइड और लग रहा है समय भी फर्स्ट हाफ का ये लगभग लगभग ये समाप्ति का भी सोना ओकोटा प्लेयर से जामदार यदि जहां प्लेयर्स उन्हें फॉल शॉट लगे मौका जामदार उन्हें प्लेयर्स की उन्हें बोले जामे कम खाए उन्हें एडवांटेज प्ले के मैच को कंटिन्यू तो उन्हें कई हो रहा थोड़ा गन लेते हो विसी लजवा और उन्हें कोई क्रॉस अडी न पाए था ना मन खान बोल नहीं दोम पोस्ट को चितान दे उन्हें पारो ना तो एमा दोम अब वो कंफ्यूजन उन बहन करा जाए आखिर करके विसी जी कहते उन्हें लेते हैं ना আর তোমরা কয় ঢাবি থেকে গোল কিক কোজা মারিয়ে দাও তোমরা করে দাও না ভাই তোমরা বরেন কুচিত কুল হি টিম ভাই लेकिन आज तक यहाँ पर बॉल को अपने गलत पे लेते हुए बाबूलाल फर्नांडिस जो एक सशक्त कीपर के रूप में आप फिलहाल अपना प्रस्तुति दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं फिर से एक बार अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी राइट विंगर के खिलाड़ी को खेलने का प्रयास लेकिन हेडिंग आएगा सुंदर तरीके से वहां पर सात नंबर द्वारा 14 नंबर जोन के लिए और फिर से एक बार 15 नंबर के पास यहां पर बहुत छोटा सा पास खेला है हेडिंग आने का चांसेस था लेकिन थोड़ा सा चुके वहां पर लेकिन अच्छा रिकवर वहां पर 9 नंबर के जर्सी पर खेलते हैं बॉल को सीधे मैदान सीमा रेखा के बाहर भेजने में सफल होते हुए हेडिंग के माध्यम से खेला गया है यहाँ फिर से एक बार 7 नंबर द्वारा 5 नंबर के खेलते हुए छोटू तिर्की के लिए छोटू तिर्की ने अपने अपने खिलाड़ी के लिए खेलने का प्रयास लेकिन तब तक गोल जाएगी सीढ़ी जिससे टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा एक बार फिर से यहाँ कुचित कुली के खिलाड़ी को 4 नंबर के पास गोल जोन द्वारा अपने 8 नंबर अनुभवी प्लेयर को खेला गया है लेकिन तब तक यहाँ देखना होगा कि अच्छा गार्डिंग करते हुए नजर आए यहाँ पर झरना टोला के खिलाड़ी और ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर मैच पर पकड़ बनाना है तो आपको शॉट ट्राई करना पड़ेगा सही शॉट का सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर रामचंद्र के पास एक बार मौका बन सकता है लेकिन शॉट में वो गति नहीं और देखिए कीपर से बॉल छूटी लेकिन ये किस्मत का लक है कि वो पोस्ट के अंदर नहीं गई और सीधे गोल लाइन के बाहर गया अन्यथा यहाँ रामचंद्र का ढीला शॉट में एक मुकम्मल चीज को अपना सकते थे अगर वो पोस्ट के अगल सामने होता तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकते थे
और थोड़ा सा राहत की सांस ली होगी वहां पर बाबूलाल मरांडी, क्योंकि उनके हाथों से बॉल छिटक कर सीधे गोल लाइन से बाहर हो गई थी। पीछे पांच नंबर द्वारा बॉल को बाहर की ओर धकेला गया और इसी क्रम में यहाँ एक थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा फिर से यहाँ झरना टोला की टीम को। लेकिन बॉल जाएगी सीधे टच लाइन के बाहर। और ये री थ्रोइंग होगा, लेकिन इस बार हेडिंग के माध्यम से फिर एक बार पुनः थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा यहाँ पर झरना टोला की टीम। लगभग लगभग दोनों ही टीम 50-50 के अनुसार मैच को खेलते हुए दोनों ओर से प्लेयरों का जो कलकाती है, जो खेलने का तरीका है, बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अंतर बस की दोनों की ओर से गोल नहीं आया है। अगर गोल आते हैं तो मैच में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है और ज्यादा मैच को रोमांचक बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ का मैच को कहीं ना कहीं ये दोनों गोल रहित मुकाबले को खेला है। लेकिन कोशिश रही कि दोनों टीमों की ओर से यहाँ से गोल जरूर आए और इसी क्रम में यहाँ एक कॉर्नर की करने का सुनहरा मौका यहाँ पर झरना टोला की टीम को यहाँ कुचित पुली के विरोध में। लेकिन वहाँ छोटा सा पास निकाला अपने सपोर्टिंग के लिए, इनका शॉट देखना होगा। देखिए यहाँ पे लेवन का इशारा, ये एक क्षण ऐसा लग रहा था कि उसको पिक करके बॉल को निकालने का प्रयास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बॉल देखिए कहाँ आ गया है, एक बार यहाँ इधर इस कोने पर मौका बन सकता था, लेकिन नहीं, मौके पर वो खिलाड़ी चतुराई के साथ बॉल को कॉर्नर लाइन के बाहर धकेला और इसी क्रम में इस बार यहाँ उचित कुलीक को एक कॉर्नर करने का मौका मिलेगा। जरूर चाहिए ना तो नेक्स्ट मैच के लिए भी आप तैयार रहेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज सिमलजोड़ी वेस्ट बंगाल वर्सेस लोकल बॉयज तीन पहाड़ साहिबगंज के टीम प्रबंधक, आप जितना जल्द हो सके अपने खिलाड़ी को तैयार करके डगआउट के ओर लाने का प्रयास करें, क्योंकि इनका ये सेकेंड हाफ का मैच। और देखिए ये अच्छा सा शॉट, और आखिर रामचंद्र नाम ही नहीं काम भी राम के बराबर करते हैं और रामचंद्र का एक बेहतर सफल होते हुए और उसी कारनामा को आज यहाँ ये जीव झरना क्लब तुलसी काटा के मैदान पर दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतर गोल रामचंद्र द्वारा हेडिंग के माध्यम। और मैं कह ही रहा था कि अगर आपको मैच पर पकड़ बनाना है तो गोल आपको दागना होगा, तभी आप जाकर मैच पर पकड़ बना पाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए ये थोड़ा सा दिशाहीन पास है, आपके पास बहुत सारे जगह पर खिलाड़ी प्लेस पर मौजूद था, लेकिन आप इस आठ नंबर खिलाड़ी को देने का प्रयास किया, लेकिन इसे काफी दूर चली गई थी बॉल और मैच पर अभी और ज्यादा आए फोकस रहेगा यहाँ पर झरना टोला के टीम को, कि उन्होंने एक गोल के दबाव पर अभी मैच को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर हाल में चाहिए गोल रिटेन, क्योंकि खेल बहुत ही लाजवाब खेले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि उस कॉर्नर किक के माध्यम से, हेडिंग के माध्यम से यहाँ रामचंद्र द्वारा अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण गोल दागा गया। यहाँ ढीला शॉट, शॉट में वो जान नहीं थी, शॉट में वो ताकत नहीं था। और सुशील मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामचंद्र का खेल हम दोनों ने बहुत ही बारीकी से देखा है और ये तो सौभाग्य की बात है कि मैं जब रामचंद्र मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल क्लब में ये खेल रहे थे तो उसका टीम मैनेजर के रूप में मैं उनके साथ था, तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है। और यहाँ एक प्लेयर से बदलाव आ रहा है, तीन नंबर खिलाड़ी मैदान से बाहर जाएंगे यहाँ उचित पीढ़ी की ओर से और उनके जगह में दस नंबर के भारत पेश करते हुए नजर आए, क्योंकि उस लेवल के खिलाड़ी को अगर उसके रेंज पर बॉल मिलती है तो ऑटोमेटिकली गोल पर ही तब्दील करते हैं और वो बखूबी वो काम आज यहाँ रामचंद्र किए हैं। अक्सर रामचंद्र को हम देखते हैं पंचकू पाकुर के ओर से खेलते हुए, लेकिन आज यहाँ ये कुचित चुनी के टीम के ओर से सिलेक्शन होकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजर जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से उन्हें सिलेक्शन किया था उस पर अभी फिलहाल वो खरा उतरे हैं। सुशील
हेलो और ये बिल्कुल रामचंद्र उस लेवल के प्लेयर्स भी हैं और बखूबी जिस मकसद से इनको टीम में ऐड किया गया है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए और भले भी वक्त है भी समय है जिस प्रकार से झरना टोला की टीम पिछले हाफ को खेले थे बहुत ही अच्छा अटैकिंग फुटबॉल उनका देखने को मिला था फर्स्ट हाफ के मैच में लेकिन दूसरे हाफ में उस प्रकार का मैच अभी तक उतना बेहतर नहीं बन पाया है या उस प्रकार का अटेम्प्ट उनका बहुत ही कम देखने को मिला है दूसरे हाफ में तो यहां से थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है झरना टोला टीम को तो हो सकता है ये मैच कभी भी वापसी होगा क्योंकि एक गोल का जो अंतर है ये ज्यादा अंतर नहीं है ज्यादा फासला है नहीं ये कभी भी वापसी हो सकता है बशर्ते आपको एक बेहतर प्रयास के साथ कहीं ना कहीं बाकी के समय को आपको खेलना होगा और इसी समय पर देख पा रहा हूँ वहाँ शॉट लेने के लिए कुचित कुल्ही टीम से दो नंबर वहाँ जाते हुए मोतीलाल मुर्मू इस कॉर्नर के माध्यम से सेकेंड गोल की संभावना लेकिन इस बार गोलकीपर बाबूलाल मरंडी ने बहुत